हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर एसी टेक चैनल, जहां पर आपको मिलेगा पूरा सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम का। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने आईफोन में से हैक या वायरस को डिलीट कर सकते हो या उसको निकाल सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आपका मोबाइल फ़ोन में वायरस आया है या नहीं आया, हैक हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने एप्पल आईडी के ऊपर। अगर कोई भी ऐसा मसला होगा तो आप लोगों का जो एप्पल आईडी है सबसे पहले वो इंटरप्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सही काम कर रहा है, आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वायरस आया था या फिर आपको लगता है कि कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों को सिंपल पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आ जाना है और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। सिंपल आप लोगों को इसको ऑन कर देना है अगर ऑफ हुई भी हो, बस ये आप लोगों को काम करना है। देन आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को आ जाना है जनरल में, और जनरल में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिला होगा आईफोन स्टोरेज का। सिंपल आप लोगों को इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन मिल रही होंगी और उसके आगे उनके साइजेस वगैरह लिखे हुए होंगे। सिंपल आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना है और जो आप लोग एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते सिंपल आप लोगों को उन ही एप्लीकेशन के आगे टैप करना है। जैसे कि हम लाइट रूम यूज़ नहीं करते और यहाँ से हमें इसको ऑफलोड ऐप कर देनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आ जाना है अपने आईफोन की दोबारा से सेटिंग्स के अंदर। यहाँ से आप लोगों को बैक करना है, देन सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है और अपना जो अपडेट कर लेना है सॉफ्टवेयर को अपने आईफोन को, ताकि कोई भी अगर बग, कोई भी इशू, कोई भी वायरस, कोई भी हैक हो तो वो आईफोन वाले खुद रिमूव कर दें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।